गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम जो फर्स्ट चैप्टर जो रह गया था वो हम अब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो देखिए, ए पैरानोमिक व्यू ऑफ द सिटी स्काईलाइन कुड बी सीन फ्रॉम फार अवे एज मिस्टर जेम डिस्क्राइब ऑल दिस इन फाइनर डिटेल्स। रॉनी वुड क्लोज हिज आईज एंड इमेजिन द सीन एज इफ ही वॉज रोमिंग इन दैट पार्क एंड इंजॉइंग द इंटरेस्टिंग ब्यूटी ऑफ द नेचर। यानी कि जो व्यू था वो पैरानोमिक व्यू था, जो मिस्टर जेम्स थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे हर एक छोटी छोटी चीज़ जो वहाँ पर उन्हें बाहर विंडो के बाहर दिखाई दे रही थी। जो भी एक्टिविटी, छोटी से छोटी जो एक्टिविटी हो रही थी वो भी वो डिस्क्राइब कर रहे थे। और रॉनी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी आइज क्लोज की एंड इमेजिन किया उस सीन को जो मिस्टर जेम्स रॉनी को बता रहे थे। उन्होंने अपने आप को इमेजिन किया कि वो उस वक्त पार्क में है और इंजॉय कर रहे हैं, पार्क में जो ब्यूटी है नेचर की उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। वन डे मिस्टर जेम्स बाय द विंडो डिस्क्राइब्ड अ परेड पासिंग बाय। एक दिन मिस्टर जेम्स ने बताया कि जो विंडो है उसके पास एक परेड अभी गुजरी है, यानी कि वहाँ से जा रही है। ऑल द रॉनी वाज Not able to hear the band due to the hospital noise, but he could see through his mind's eyes as Mr. Jem depicted it with vivid words. क्योंकि जो मिस्टर जो रॉनी था वो उस ये बात नहीं सुन पाया था जो इस वक्त मिस्टर जेम्स ने बोली थी, क्योंकि ऑन बैंड को भी नहीं सुन पाया था क्योंकि हॉस्पिटल में नॉइस इतना था, इतना ज़्यादा शोर था कि वो उसकी बातें वो अब बैंड नहीं सुन पाया। लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में था, वो उसको इंजॉय कर रहा था। और जो मिस्टर जेम्स थे वो पूरा एक वर्ड टू वर्ड उन्हें डिस्क्राइब कर रहे थे। ही वुड विजुअलाइज हिमसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन द परेड इन हिज क्रिस्पी आयरन यूनिफॉर्म एंड फॉलोइंग द कमांडर्स विसल। दिस वॉज रियली अ ट्रीट फॉर हिम एवरी आफ्टरनून। डेज एंड वीक्स पास्ड बाय लाइक दिस। एंड वो अपने आप को उस वक्त इमेजिन कर रहा था रॉनी की वो परेड में है एंड जो कमांडर्स हैं उनकी विसल्स को फॉलो कर रहा है, पूरी यूनिफॉर्म में है। इसी तरीके से उनकी जो डेज थे वो पास होते थे, गुजरते थे। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, व्हेन द डे ड्यूटी नर्स अराइव्ड विद वाटर फॉर देयर बाथ, शी वाज सरप्राइज टू फाइंड द मोशनलेस बॉडी ऑफ मिस्टर जेम्स हु हैड पास्ड अवे पीसफुल इन हिज स्लीप। She was in a state of dismay and called the hospital staff to remove the body from the room. एक दिन सुबह में जो नर्स की ड्यूटी थी उस रूम में, वो वहाँ पर पानी लेकर के आई ताकि उन्हें नहला सकें। एंड जब वो नर्स आई तो वो सरप्राइज हो गई देख करके कि जो मिस्टर जेम्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी सोते सोते ही। एंड वो इसको देख करके एकदम शॉक रह गई। और फिर उसके बाद उसने नर्स ने हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया ताकि वो उस बॉडी को उस रूम से निकाल दें। रॉनी आफ्टर फाइंडिंग अ सुइटेबल मोमेंट आस्क्ड द हॉस्पिटल पीपल एंड डॉक्टर इफ ही कुड बी शिफ्टेड नेक्स्ट टू द विंडो। रॉनी ने एक सुइटेबल मोमेंट देखा और हॉस्पिटल में जो पीपल थे, जो डॉक्टर थे, उनसे पूछा कि अगर वो उसे शिफ्ट कर दें विंडो के आगे, यानी कि जहाँ पर मिस्टर रॉनी का बेड था वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दें। तो द नर्स वॉज हैप्पी टू मेक द चेंज एंड आफ्टर मेकिंग श्योर ही वॉज कम्फर्टेबल शी लेफ्ट हिम अलोन। नर्स भी ये देखकर बहुत खुश हुई थी कि रॉनी में चेंज आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाने की बात की थी। और फिर नर्स ने उससे उनके साथ वैसा ही किया, उन्हें विंडो के आगे शिफ्ट कर दिया। और फिर जब वो आराम से लेट गए रॉनी, तो नर्स वहाँ से चली गई। स्लोली ही विद ग्रेट डिफिकल्टी ही क्रश्ड हिमसेल्फ अपॉन एन एल्बो टू टेक हिज फर्स्ट ग्लैंस एट द वर्ल्ड आउटसाइड। यानी कि धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा था रॉनी कि वो अपने आप को विंडो के बाहर देख सके, विंडो के बाहर का जो नज़ारा है उसको अपनी आंखों से देख सके। फाइनली ही वॉज डिलाइटेड टू सीइंग इट फॉर हिमसेल्फ। इट ही स्ट्रेच्ड हिज बॉडी स्लोली टू टर्न एंड लुक आउट ऑफ द विंडो बिसाइड द बेड अप पुट टू द सरप्राइज ही कुड ओनली फेस अ ब्लैंक वॉल। इसमें लास्ट में क्या हुआ कि जो कोशिश कर रहा था रॉनी विंडो के बाहर देखने की, उसमें वो सफल रहा। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर लेके गए, स्ट्रेच किया और फिर उन्होंने विंडो के बाहर देखा। लेकिन जैसे ही विंडो के बाहर
रोनी ने देखा कि वहां पर सिर्फ एक ब्लैंक वॉल है, सिर्फ दीवार है और कुछ भी नहीं है। रोनी आस्क्ड द नर्स वेदर व्हाट ही वाज सीइंग वाज ट्रू। What could have forced his departed roommate to describe such wonderful things outside the window? He asked to the nurse, "Is it the same window? Where are the lake, ducks, rainbow, flowers that his roommates had described?" यानी कि रोनी ने नर्स से पूछा कि क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या मैं उसी विंडो के आगे हूँ जिस विंडो के आगे रोनी था एंड सॉरी मिस्टर जेम्स थे? और जो मिस्टर जेम्स मुझे चीज़ें बताते थे बाहर, जो उसके रूममेट था, जो उसे विंडो के बाहर का एरिया डिस्क्राइब करता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो पूछा था क्या ये वही विंडो है या मैं किसी और विंडो के आगे हूँ, या तो और अगर मैं उसी विंडो के आगे हूँ तो वो सब लेक्स कहाँ हैं जिसमें डक्स थी रेनबो के जैसे या कलर कलर के फ्लावर्स थे जो कि उसके रूममेट ने उसे डिस्क्राइब करे थे। द नर्स रिप्लाइड विद अ सैड स्माइल। नर्स ने बहुत ही सैड एंड की दुखित स्माइल से उसे रिप्लाई करा, द मैन वाज ब्लाइंड एंड कुड नॉट इवन सी द वॉल। कि जो मैन था वो ब्लाइंड था यानी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था एंड वो इस वॉल को भी नहीं देख सकता था। दे वर ऑल स्टोरीज डेट योर फ्रेंड हैड मेड फॉर यू। वो जो उसने सब कुछ बताया था वो स्टोरी थी जो कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए बनाई थी। व्हेन यू वर अबाउट हियर द डॉक्टर हैड सेड दैट यू वर नॉट रिकवरिंग वेल बिकॉज यू हैड नो होप। जब डॉक्टर्स तुम्हें यहाँ पर लेकर के आए थे, तुम्हें यहाँ पर लाया गया था, तब तुम रिकवर नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई जीने की आशा ही नहीं थी। यू डिड नॉट बिलीव दैट यू कुड गेट अप। तुम्हें खुद पे भी ये भरोसा नहीं था कि तुम अब कभी उठ पाओगे। बट योर फ्रेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड फिल्ड यू विद होप एंड मेड यू टू लिव अगेन। लेकिन जो आपका फ्रेंड था, जो आपके रूममेट थे, उन्होंने इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन दिया, इसके तरीके से डिस्क्राइब किया कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत ही खूबसूरत है, और उन्होंने इसी तरीके से आपको एक होप दी, एक आशा दी ताकि आप में जीने की उम्मीद जगे। You gain strength and that's why you are able to prop yourself upon that arm and lean out of the window today. और उन्हीं की वजह से तुम आज इतने स्ट्रेंथ कर पाए हो कि तुम खुद ही उठ करके इस विंडो के बाहर अपनी आंखों से देख सकते हो, वरना इससे पहले तुमने कभी भी इस विंडो के बाहर नहीं देखा था। जी जब आपका फ्रेंड चला गया तब आपने इस विंडो के बाहर देखना चाहा, क्योंकि जो आपके फ्रेंड आपको स्टोरी सुनाते थे, जो लेक्स हैं, फ्लावर्स हैं, डक्स ये सब हैं, उसको आप अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जबकि ऐसा वहाँ पर कुछ है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खाली दीवार है। लेकिन आपको आशा जगाने के लिए, आपको वर्ल्ड की खूबसूरती दिखाने की उन्होंने कोशिश की थी। चैप्टर 1 इज कम्प्लीट।